लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी फिगर मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर बना दी है और गिवन टू प्रूव भी मेंशन कर दिया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आपके लिए। एबीसी इज अ ट्राइंगल। एबीसी एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर ही दो एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है और वो जिस भी साइड पर डाले जाते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बीई और सीएफ, ये तो एल्टीट्यूड्स हैं। बीई और सीएफ, बीई पड़ रहा है एसी पर और सीएफ पड़ रहा है एबी पर, ठीक है। टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। देखिए, लैंग्वेज की थोड़ी सी यहाँ पे ट्विस्टिंग है, बहुत ध्यान से सेंटेंस को सुनिए। अक्सर बच्चे जो गलती कर जाते हैं वो एसी और एबी को इक्वल मान लेते हैं, गिवन में लिख लेते हैं एसी और एबी इक्वल दिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एबीसी इज अ ट्रायंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है इन विच, जिसमें एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, एल्टीट्यूड बीई और सीएफ टू साइड्स, कौन सी साइड्स पे डाले जा रहे हैं उनका नाम दिया है एसी एंड एबी आर इक्वल। बात शुरू हुई थी एल्टीट्यूड से, एंडिंग हो रही है आर इक्वल पर, तो साइड्स इक्वल नहीं हुई, एल्टीट्यूड्स इक्वल हुए। तो क्वेश्चन में बीई और सीएफ इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं और एसी और एबी पर पड़ रहे हैं, लाइन हमें ये कह रही है। शो दैट ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ आर कॉन्ग्रेंट। हमें इनको कॉन्ग्रेंट करना है और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है एबी और एसी इक्वल है, जो कि आपको पता ही होगा कि हम उसको सीबीसीटी में ले लेते हैं। और जब AB और AC इक्वल हो जाएंगे तो ट्राइंगल विल बिकम आइसोसेलेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना है, इन ट्राइंगल ABE एंड ACF। जैसा कि आप जानते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें एग्जैक्टली तीन पेयर्स चाहिए होते हैं। ध्यान से देखिए, ABE ये ऊपर वाला ट्राइंगल है और ACF ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। हमें क्या करना है, आप सबसे पहले देखिए, जब आप ए बी ट्राइंगल लेते हैं और ए सी एफ ट्राइंगल लेते हैं तो आपके इधर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। आप पहले तो इसकी दूसरी तरफ भी 90 डिग्री का एंगल मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक तरफ अगर 90 होता है तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी, पहले आप ए बी ई ट्राइंगल को ले लीजिए, ए बी ई, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है और ये एंगल है। देखिए, मैं अभी आपको ये वाला एंगल दिखा रही हूँ। जब आप ए बी ई ट्राइंगल लेते हैं तो आपका एंगल ये आता है, जब आप ए सी एफ ट्राइंगल लेते हैं तो भी आपका एंगल ये आता है। तो एंगल ए, एंगल ए दोनों में सेम है, तो ये कॉमन हो गया, एक पार्ट मिल गया। फिर आप जब ए बी ई ट्राइंगल ले रहे हैं तो आप इसको 1 मार्क करिए, और जब ए सी एफ ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसको 2 मार्क करिए। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि बी ई और सी एफ, ये दो एल्टीट्यूड थे और ये दोनों इक्वल थे, तो आप यहाँ लेंगे बी ई इक्वल टू सी एफ गिवन, ठीक है। तीन एग्जैक्टली पेयर्स हमें मिलते हैं और ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी है, मैंने कहा था तीनों पार्ट्स एक ही ट्राइंगल के अंदर रख के देख लीजिए। एंगल, एंगल और ये साइड है, एंगल एंगल साइड लग रही है क्योंकि साइड बीच की नहीं है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे हमने मेंशन किया बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। अब हमने एबी और एसीएफ इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया है और इसके सीबीसीटी में हमें मिल जाएगा एबी इक्वल टू एसी। देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है एबी और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है एसी। एबी इक्वल टू एसी बाय सीबीसीटी, तो आपका सेकेंड पार्ट तो साथ में ही प्रूव हो गया। और जब एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाता है। हेंस
ABC is an isosceles triangle. ये बन गया isosceles triangle. जिस triangle की दो sides equal हो जाती हैं, वो triangle हमारे लिए isosceles कहलाता है. तो इसी के साथ हमारा ये question complete हुआ. Next class में एक नए question के साथ आपसे फिर मिलेंगे. Goodbye friends.